भाइयों, ये है डाउनटाउन ऑफ डैलस। बिल्डिंग्स आप पीछे देख रहे हो और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स, उसको मैं जूम इन कर लूँ पहले कि आप लोग को सही दिख जाए कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। ओके, टैक्सारकाना, लारकाना के बिल्कुल बाजू में ही है टैक्सारकाना। लारकाना और टैक्सारकाना ये बिल्कुल एक दूसरे का मतलब बाजू में है। मैं अभी नींद से उठा और भाईजान को मैंने बोल दिया था कि भाई सुबह थोड़ा खाना खा लिया था, वही रेस्टोरेंट से कुछ उठा लिया था, मैं खा के सो गया और लिटरली सो गया। मैं अभी उठा, ऐसे सर भारी है मेरा। लेकिन देखा ना आप लोगों ने, टैक्सारकाना और लारकाना ये सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर व खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग। ये भाई मेरा नाड़ा, उसको छुपा दूँ, अच्छा नहीं लग रहा यार, कैमरा में दिख रहा है, फनी सा लग रहा हूँ मैं। ये ग्लव्स, ओके, डीजल ख़त्म हुआ भाई हमारा। मुसीबत है यार, जिंदगी की राहों में रंज और गम के मेले होते हैं और जब कयामत होते हैं और हम सब अकेले भी होते हैं। वाह क्या शायरी है मेरी। अभी फ़िलहाल हमारा डीज़ल हो गया ख़त्म, अभी हम डीज़ल फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे, और जो हमारी पिकअप थी अल्फासो से वो हमने रात को कर ली। मैं सो गया था, रात को ही सो गया था, जैसे लास्ट व्लॉग में बाय करके मैं फिर गया सोने। मुझे रात को भाई साहब ने उठाया, लेट नाइट, काफ़ी अंधेरा था, वही सुबह फिर तकरीबन 6-6:30 बजे फिर मैं सही तरीके से फ्रेश हुआ था, कॉफ़ी पी थी मैंने, और अब डीज़ल हो गया फिनिश हमारा। तो यहाँ से अब डीज़ल जैसे ही फिलअप होता है तो देन अंदर जाके रिसीद वगैरह ले लें अपना। यार माहौल चेक करो यार, ये देखो सब खड़े हैं लाइन पर, मतलब सारे पंप्स जो है ना, मतलब सारे पंप्स जो है सब भाई ऑक्यूपाइड है भाई, एक भी पंप अवेलेबल है नहीं जिसको आने पीछे के खड़ा हो जाए। पता नहीं आज मुझे कराची की वाइब आ रही है एकदम, मतलब वो खुशबू कराची की। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 10 साल हुए यार मैं नहीं गया, होगी 10 साल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। लास्ट गया था 2014 को गया था, आई थिंक, यस 2014 को गया था मैं लास्ट। टोपी पहन लूँ, सर्दी है भाई, मुझे सर्द लग रही है। ये भाईजान जो है फ्लैट बेड ट्रेलर है इनका,
पूरा खुला खुला आपको बांधना पड़ता है, स्ट्रैप करना पड़ता है, और ख्यालदारी से स्ट्रैपिंग होनी चाहिए कि स्ट्रैपिंग में कोई कमी पेशी ना हो और ना आपका जो लोड है शिफ्ट हो जाएगा। मैंने 2 साल ये वाला काम किया था भाई, US में चलो समझ आती है, लेकिन कनाडा में विंटर टाइम में ये स्ट्रैप्स भाई, और मेरी डिलीवरीज भी ज़्यादा होते थे, LTL होते थे, मेरे दिन में 10-12 डिलीवरीज करता था सिटी में, और भाई तौबा, अगर कभी वापस कर लूँ वापस भी ना अपनी ज़िंदगी में ये वाला काम, तो मैं 1 या 2 डिलीवरी से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, वही करना है भाई। वो इतना सारा वो बर्फ़ जम जाता है वो स्ट्रैप पे, आपको उसको मार के अपने लोड बार से मार के वो सारा बर्फ़ गिराओ, उसको क्लीन करके फिर बांध के फिर टाइट करो, तौबा भाई बहुत 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 हेडेक है मुझे जो ये वाला काम। और कोयल, हम इतने मतलब हैवी कोयल्स तकरीबन 12,000 पाउंड्स 3-4 लगाओ और चेन करो उनको बांधो, यार मतलब काम बुरा नहीं था, काम अच्छा था, लेकिन ये चीज़ है कि भाई दिन में 10-12 डिलीवरीज LTL, और आपको कंपनी पुश कर रही है कि जल्दी करो जल्दी करो, और ट्रैकिंग में कोई भी कंपनी है आपको पुश नहीं करती, वो कंपनी है माशाल्लाह से, उनको बस ड्राइवर्स को पुश करना ज़्यादा पता नहीं, उनको तंग करना उनको पसंद है, आई डोंट नो। मैंने वो काम ही छोड़ दिया, मैंने कहा बाहर में जाओ नहीं करना तुम लोगों के साथ। 1.5 साल तक मैंने ऑलमोस्ट किया था उनके साथ, लेकिन समझ नहीं, मैंने छोड़ दिया। चलो भाई ये हो गया ख़त्म, नाइस नाइस। ये पूरा हवा की वजह से इतना ठंड हो रहा है, हवा बहुत फास्ट चल रही है, तेज चल रही है, अदरवाइज ठंड इतनी होनी नहीं चाहिए। ट्रक की चाबी, पंप नंबर क्या था? 19, क्योंकि अंदर मुझे जाके उनको पंप नंबर दूं कि भाई ये मेरा पंप नंबर 19 था, मुझे इसकी रसीद दो, तो वो मुझे इसकी रसीद दे देंगे। यूजुअली अगर आपको पंप नंबर याद ना हो तो आप अपना ट्रक नंबर ही बता दो, आपका ट्रक नंबर क्या था, तो वो सर्च करेंगे ट्रक नंबर था जो भी, मेरा ट्रक नंबर तो 913 है, आपका जो भी भाई है वो आप ट्रक नंबर भी दे सकते हो इनको कि भाई ये मेरा ट्रक नंबर था और मुझे आप जो है दे दो रसीद इसकी। चलो अंदर से रसीद लेते हैं अभी हम। हेलो, हाय, कैन आई गेट द रसीद? Thank you so much. Okay, what is it, the truck number there? It doesn't have the truck number, that's a mileage. No, that's not mine. It's not it? Okay. No, truck number 913, I already entered truck 913. Yeah, exact mistake, which was yesterday, Anis bhai ne kiya tha. Okay, it's on pump 19. Yes. There you go. Thank you so much. Thank you, really appreciate it. तो यही मिस्टेक yesterday उन्होंने किया था, उन्होंने जो रसीद लिया दूसरे कोई ट्रक का था बिल, मैं देख रहा हूँ कि भाई मैंने डीजल भरा मतलब ऑलमोस्ट 900 का भरा मैंने, क्योंकि पूरा एम्प्टी था हमारा, तो ये कैसे ये वाला शो हो रहा है, तो फिर वो उन्होंने दे दिया भाई दूसरा, मैंने उसको बोला भाई जावा दूसरा ले, ये गलत उठा के लेके आया। तो ये है मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट आपको प्रिंट करनी होती है, अभी मैंने प्रिंट आउट निकाली पायलट से, तो ये आपको ज़रूर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहिए और अपने आपके साथ होना चाहिए बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। तो एक बार मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला था, मेरे फ़ोन पे PDF थी, तो मुझे जो है वो ऑफिसर है वो कहती है तुम्हारे फ़ोन पे स्टैम्प करूँ मैं, तो जो ऑफिसर है पायलट रिजर्व, ओके
तो जो ऑफिसर है वो मुझे कहती है कि मैं तुम्हारे फ़ोन पे स्टैम्प करूं। मैंने कहा भाई मेरे पास पीडीएफ है। तो बहुत रूड हुई थी मेरे साथ, लेडी थी, ओल्ड लेडी। तो ये एक्सपीरियंस के बाद कि भाई पीडीएफ कभी भी शो नहीं करना है इनको, हमेशा आपके पास प्रिंट आउट होनी चाहिए। तो तब से लेके मैं आज तक भाई मैं प्रिंट आउट रख लेता हूँ। हमें एक और ऑफिसर मिला था वहाँ पे, तो उससे हमने पूछा कि भाई ये सीन हुआ है हमारे साथ। तो उसने कहा कि मसला ये हुआ है कि वो लेडी बहुत रूड है, गलती आप लोग की नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ड्राइवर्स आते हैं, क्योंकि उनके पास प्रिंटर तो होते नहीं है, वो रोड पे ही होते हैं, तो वो आते हैं तो हम उनको प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। लेकिन शी वॉज जस्ट बींग रूड, यू नो। तो वो खामा खाई रूड हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे पागलों के साथ हमारा जो सामना होता है बॉर्डर पे, मतलब आपको 99.9% लोग अच्छे मिलेंगे, एक ऐसा कोई पागल मिलेगा जिसका मूड ख़राब है और आप उसके हत्ते चढ़ गए। कोई बात नहीं, उस दिन को ना भूल जाओ। नो, मुझे पूछ रहा है कि तुमने लॉटरी टिकट खरीदा है? नहीं भाई, मैंने नहीं खरीदा लॉटरी टिकट। अब अपना कॉफ़ी उठा के निकल रहा हूँ यहाँ से। हम बॉर्डर से भी तकरीबन 6 घंटे ऐसे कुछ दूर हैं इस वक्त। अभी हम मौजूद हैं इंडियानापोलिस।